डॉक्टर अंबेडकर एक अद्भुत अवतार। स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भारतवर्ष में जो क्रांति 15 अगस्त से पूर्व हुई, उसके नायक मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अहिंसावादी महात्मा गांधी सहित मां भारती के असंख्य वीर पुत्र रहे हैं। किंतु तत्कालीन भारतीय समाज में अमानवीय एवं अमानुषिक प्रहारों से त्रस्त मानवता को परिताड़ देने के लिए जिस महाक्रांति के प्रारंभ भारतवर्ष में स्वतंत्रता योत्तर काल में हुआ, उसके एकमात्र और केवल मात्र महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह अथवा अतिशयोक्ति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म भी यूँ तो स्वाधीनता आंदोलन के गर्भ से हुआ, किंतु भारतीय समाज में व्याप्त वर्णभेद एवं घृणा रूपी अंधकार को दूर भगाने वाले सूर्य के रूप में उनका उदय काल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही माना जाता है। अधिकांश लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म के समय की सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और केवल इतना ही जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को वह सबुदार रामजी और बीमाबाई के घर महार जाति में जन्मे और स्वतंत्र भारत के विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने दलितों और शोषितों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलवाए। किंतु इससे भी आगे उनके संघर्षपूर्ण जीवन के साथ एक तथ्य ऐसे भी जुड़े हैं जो उन्हें साधारण मानव से महामानव बनाते हैं और एक अद्भुत ईश्वरीय अवतार के रूप में स्थापित करते हैं। समय का यह वह दौर था जब विकृति बनकर अभ्रे मानवता विरोधी एवं कुत्सित विचार प्रवाह ने भारतीय समाज की संस्कृति को विस्थापित कर दिया था और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विषमता का विष खोल दिया था, सुसंस्कृति को विस्थापित कर दिया था और वह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विषमता का विष खोल रहा था। समाज द्वारा अपने ही सहोदरों के साथ वाषणवत व्यवहार किया जा रहा था और उन्हें किसी लखंड की भांति शब्दहीन, गतिहीन, निसंपद, निस्तेज और निश्रेष्ठ बनाकर अस्पृश्यता का अभिशाप भोगने के लिए विवश कर दिया गया। मानवता ने वरुण कंदरण किया, परिणाम स्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर अनेक महान सत्पुरुषों का अवतरण हुआ। इन महान विभूतियों ने अपने शिक्षाओं और वाणी प्रवाह के द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त अज्ञान और रूढ़िवादी के पर्दे को हटाने का निरंतर प्रयत्न किया और दलितों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत भी किया, जिसके फलस्वरूप दलित समाज में कुछ चेतना को उत्पन्न हुई किंतु अशासित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। नीति ने क्षण क्षण उनके संयम की परीक्षा ली। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा सबसे भिन्न एवं क्रांतिकारी थी। उनका निर्विवाद रूप से आग्रह था कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के गुणों के आधार पर उन्नति करने पर अधिकार है। यदि कोई सामाजिक व्यवस्था उसे इस अधिकार से वंचित करती है तो उसे खंडित कर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन पर्यंत अपनी इस क्रांतिकारी विचारधारा के अनुरूप आचरण किया और कड़े संघर्ष की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्री के रूप में अस्पृश्यता विरोधी प्रावधानों के पीछे उनका यही तर्क था। जब भारतीय समाज की वर्ण भेद आधारित व्यवस्था में समग्र रूप से परिवर्तन नहीं लाया जाता और नए सामाजिक मूल्य स्थापित नहीं किए जाते, तब तक दलित समाज की दिशा में कोई अंतर नहीं आने वाला। इसी सिद्धांत को मूलाधार बनाकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में दलित मुक्ति संघर्ष की प्राथमिकता दी और सामाजिक समरसता के रूप में भारतीय समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग को जीवन का संवैधानिक अधिकार दिलवाया। परिणाम स्वरूप उनके जीवन दर्शन की व्यापकता और संघर्ष की भूमिका देश की परिधि से निकलकर वैदिक और वैश्विक हो गई और एक अद्भुत अवतार के रूप में मानव समाज रूपी व्योम में तारामंडल में ध्रुव तारे की भांति सुशोभित हो गई।